Hi guys, welcome to our channel Priya ki Raja Babu and welcome back to another exciting vlog. तो friends, आज का जो ये vlog है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा interesting और exciting होने वाला है क्योंकि आज मैं राजा जी के साथ first time करने जा रही हूँ prank. ठीक है, prank के साथ साथ मैं आज राजा जी को एक सबक भी सिखाने वाली हूँ. अभी आप लोग ये सोचो कि प्रिया prank तो ठीक है राजा जी के साथ, लेकिन ये सबक सिखाना है क्यों? मतलब राजा जी ने ये क्या कर दिया है? कुछ नहीं किए है राजा जी ने, बस मुझे उनका कुछ हरकत है जो वो पसंद नहीं है, उसके लिए ही मैं आज ये प्रैंक करने जा रही हूँ और साथ साथ इसको सबक सिखाएंगे. अभी फ्रेंड्स मतलब राजी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है वो आज मैंने शाम को शूट किया है. ठीक है, शाम को शूट किया है. जैसे कि आप लोग तो हमारे कभी कभी ब्लॉग देखोगे, दोपहर का ब्लॉग देखोगे जिसपे हम सुबह से लेकर क्या कर रहे हैं और दोपहर को क्या खाना खाए हैं, और खाना खाने के बाद राजा जी की वो ऐसे ही अचानक बोलते हैं कि मुझे नींद आ गए है, मुझे सोना है, ऐसे बोलते हैं और ब्लॉग को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, तो सो जाते हैं. इससे मुझे कोई दिक्कत है नहीं राजा जी का. ठीक है, अब क्योंकि मुझे भी दोपहर को नींद आ जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन फिर राजा जी तो मतलब बहुत ज़्यादा ही सोते हैं. मैं तो उठ जाती हूँ, टाइम से ही उठ जाती हूँ, एक दो घंटा सोने के बाद हम उठ जाते हैं. राजा जी उनको जब तक ना उठाऊँ मैं तब तक नहीं उठते. मतलब दोपहर से सो रहे थे, शाम बना दिए, वो तो गया, और अभी अभी जो है रात बना दिए है. प्रिया जो घर पे रहते हैं ये राजा जी पूरा भूल ही जाते हैं, वो अपने मन से सोते रहते हैं और मेरा दिन ऐसे ही चल रहा है. मतलब हमारा तो ऐसे ही हफ्ते भर काम चलता है, और एक दिन घर पर रहती हूँ, जब भी घर पे रहते हो तभी ऐसे ही करते, खाना वाना खा के सो जाते, फिर मुझे भूल जाते, और मैं क्या करूँ? ना टीवी देख सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि कोई सोता है तो तुम आवाज़ नहीं कर सकते हो ना. तो मैं इधर कैनोपी में बैठी हूँ, तो अभी सोच रही थी कि बैठ बैठे क्या करूँ. चलो इसी बात से आज एक प्रैंक बना लेते हैं और राजा को सबक सिखा लेते हैं. ठीक है, अब सबक कैसे सिखाओ यही बात है ना. तो आज का थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मतलब किस टॉपिक पे प्रैंक होने वाला है. फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आज होगा हिकी प्रैंक. हिकी पंक का मतलब जो लोग जानते हो उन लोगों को तो पता ही है, जिन लोगों को नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि हिकी प्रैंक का मतलब है लाख का जो पार्ट होता है उसका जो स्पॉट बनते हैं हमारे स्किन में, उसी को लेके हम बनाएंगे प्रैंक. ठीक है, तो चलो अभी हम देरी नहीं करेंगे. अभी तो फ्रेंड्स और एक बात कि राज जी तो मुझे छुट्टी के दिन थोड़ा सा घूमने भी नहीं लेके जा रहे हैं. सोचो तो ऐसे मतलब तीन बार घर पे बैठे रहे हो तो कैसे लगता है? मुझे थोड़ा सा घूमने जाने का मन होता है, कुछ खाना वाना खाने का मन होता है बाहर जाके, लेके नहीं जाते हैं. ऐसे घर पे पड़े रहते, वैसे तो दिन भर हमें रोटी दे रहे हैं, रोटी खा करके मैं तो सूख जा रही हूँ अंदर से. अभी कुछ अच्छा खा भी नहीं पा रही हूँ मैं. रोटी खाने से भी दिक्कत नहीं है हमको, खा लेंगे हम रोटी बोटी, वैसा कुछ है नहीं, पर रोज़ रोज़ हमें अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ही. मतलब बाहर का कुछ स्पाइसी वगैरह खाने का भी तो मुझे मन होता है, नहीं लेके जा रहे राजा जी. छोड़ो इस बात को, छोड़ो अभी आज तो इसको हम सबक सिखाएंगे इस बात से कि क्यों ज़्यादा सोते हैं. अभी मैं इसको नहीं उठाऊँ ना तो पूरा रात भर ऐसे ही सोते जाएंगे. कल सुबह जब इनको ऑफिस जाना होगा तब ऐसे झटक से उठ जाएंगे, पटक से उठ जाएंगे, चले जाएंगे, निकल जाएंगे. ऐसे तो नहीं दिन चलते हैं ना. तो चलो जल्दी से जाके सबक सिखा लेती हूँ. हाँ, और हम देरी नहीं करेंगे. जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमें पहली बार देख रहे हो तो जी हम बता देंगे कि मैं प्रिया और राजा जी से अभी मिलवा रहे हैं. ठीक है, और हमारे बारे में अगर जानना है तो जी हमारे सारे ब्लॉग्स को देखना पड़ेगा, लेकिन अभी आप इसी ब्लॉग को एंजॉय करो, इसी ब्लॉग को देखो, और अभी आपको जब भी टाइम मिले तब थोड़ा थोड़ा करके एक दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हमें हमारे जितने सारे ब्लॉग्स हैं वो सब देख लेना और हमारे बारे में जान लेना. और गाइज अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा एक बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि हम जब भी कोई नए नए ऐसे ब्लॉग्स डालें उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँच सके. ठीक है, तो चलो जी अभी बिल्कुल देरी देरी करेंगे और जल्दी से जाके हम स्पॉट बना लेते हैं और चलो राजा जी के पास. ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ हिकी स्पॉट. ठीक है, तो इसके लिए मैं मेरे मेकअप के थोड़ा बहुत सामान है उसी से कर लेती हूँ, और आप लोग देखते जाओ मैं कैसे बना. अभी कहाँ पे बनाओ, मतलब बालों को तो छुपाना पड़ेगा बालों से,
तो इधर ही बनाना पड़ेगा, नेचुरल टाइप का जगह ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, ठीक है। भी नेचुरल दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बालों से छुपा लिए हैं और धीरे धीरे हम खोलेंगे। हाँ, पर अभी नहीं, अभी करेंगे तो अचानक से देख लेंगे, ऐसे रहने देते हैं। तो चलो अभी चलते हैं राज के पास। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखो, राजा जी अभी भी सो रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो, सो रहे हैं। और मैं इनको अभी उठाऊंगी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स कैमरे को सेट कर लेते हैं और उसके बाद इनको उठाते हैं, ठीक है। Bye. Have a bye. Yolo. I got to move. Wait. What's up? যখন তখন এরকম করো।
মমি গউতে লাইট মাই জালে চোখে মধ্যে লাগে না নাকি তো কি হচ্ছে ব্লক ব্লক করছে ব্লগে তো কোনো সময় লাগে না যখন তখন করতে পারি আমি বন্ধুদেরকে ডাকাচ্ছি তুমি ঘুমোচ্ছে তাই ব্লক করছি কি ব্লগ আমাকে বলবে তো আগে থেকে বাবা ঘুম থেকে উঠেছি তার মধ্যে সারিয়ে রেখে দিয়েছো ক্যামেরা ব্যবহার না বলবে না আমাকে বলার কি আছে ব্লগ তো ব্লগই যখন খুশি করা যায় ব্লগটা উঠেই বক বক করছো আমার ভালো লাগে না ভালোবেসে সুন্দর ডাকছি ভাল লাগে না দোকানে ঘুম থেকে উঠবো ক্যামেরা খুলে তুমি বসে থাকবে এরকম আরে কি আছে বন্ধুকে বলেছি রাজাবু ঘুমোচ্ছে রাজু বলেছিল যে বিকেলে বেলা কিছু স্ন্যাক্স খাবে সেই জন্য স্ন্যাক্স বানিয়ে দেবো সেই ব্লগ করছি কিছু বানাতে হবে না তোমাকে যাও তো কেন ঘুম থেকে উঠে তুমি এরকম আগেও তুমি এরকম করেছো তো ক্যামেরা অন করে রেখে দাও লোক কি ভাবে না চুল ফুল ঠিক নেই কিছু নেই চোখ মুখ কিছু করে নিলে চুল ঠিক করতে লাগে নাকি এই তো চুলটা আমি ঠিক করে এখনই দিচ্ছি রেখে চুলটা ঠিক করে নিয়ে যা সেজে রয়েছো আমাকে এই হবে আমি কোথায় সেজে আছি আমি তো সেজে নেই কোথায় সাজলাম আমি একটা মশা মর্টিন লাগাবে তা না মশা কামড়াচ্ছে আচ্ছা এই যে ক্যামেরা দেখো আমি চুল ঠিক করে দিচ্ছি আয় দেখো দেখি তো দেখি চুলটা ঠিক করে বিয়ে করতে হবে না फ्रेंड्स आप लोग देखो ना राजी कैसे गुस्सा कर रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है ना राजी बोल रहे हैं बाल खराब बोल रहे देखो कितना कितना अच्छा बाल है मेरे राजी का ये तो हो गया देखो तो फ्रेश हो जा सी जब अरे फ्रेंड देखे तो हेलो तो बोले जाओ हेलो पर हेलो तो करते जाओ फ्रेंड्स भी ऐसे ही करती है बाप मैं जब भी ऐसे सोता हूँ कैमरा ऐसे खोल देती है मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे मैं तुम्हारा शिकायत करने वाला हूँ ठीक है এটা কি ব্লগ হলো এটা কি ব্লগ হলো বলো বলো এই ভাবে বলে চলে যাচ্ছ ফের ভালো লাগে না আমি চা ফ্রেশ হয়ে আসি তারপর ফ্রেন্ডস মে আর আউ ফ্রেশ হয়ে ওকে বাদ পতা নেই ক্যা ব্লগ হো রহা হ্যায় সমঝ মে নেই আতা ক্যা ব্লগ হো রহা হ্যায় সো রে আমি এই দিখাইয়া মেনে লাইট জ্বলো লাইট গুলো অন করো লাইট অন করো কি হলো কি লাইট অন করো বাবা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তুমি এরকম ব্লগ শুরু করছো কি বানাবে তুমি কি বা খাবার বানাবে বললে বানাবো কিছু একটা বানাবো স্ন্যাক্স বানাবো বন্ধুদের তো বলেছি লাইট লাইট লাগাবো ওকে লাইট লাগাবো তো ভি ফ্রেন্ডস প্রিয়া তো এসেই কাটে যায় যখন সোতা হো পাতা নেই উসকো কিয়া হো জাতা হ্যায় ক্যামেরা এসে খোল কে ব্লগ শুরু কর দিতি হ্যায় পহলে ভি বহুত ব্লগ থা জো এসে उसने ऑन किया था रात को सुबह जब भी उसको टाइम मिलता है वैसे ही करती है हां मैं शिकायत करने के लिए मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हारे मैं ऐसा करोगी तो बोलूंगा ही ना क्या? कुछ टाइम देना चाहिए सो के उठते से ऐसे करने से कैसे होगा और मालूम भी नहीं है मुझे क्या कर रही हो जो भी हो तो फिर कौन सा स्नैक्स आइटम बनाने वाली हो कौन सा ये फ्रेंड्स लोगों तो बोल के रखे हैं मैं तुम्हारे लिए आज दालिया बनाने वाली हूँ दालिया का खिचड़ी है कि नहीं फ्रेंड्स दालिया का खिचड़ी कौन खाएगा तो मैं तो शाम को बाहर जाके तुम्हारे लिए कुछ सब्जी वगैरह लाई हूँ वो सब मतलब... तो तुम खाओ ना मुझे क्यों खिला रहे हो कुछ स्नैक्स कुछ चटपटा कुछ बनाओ ना तुम फिर से मुझे गुस्सा दिला क्या हो क्या गया आज मेरा छुट्टी पूरा बर्बाद करने वाले हो क्या तुम एक तो घूम सो के उठा ऐसे कैमरा खोल दिया बोले ब्लॉक करना ब्लॉक कर तो ढंग का कुछ करो ढंग का कुछ बनाओ ना दालिया का खिचड़ी कौन खाएगा हाँ दालिया का खिचड़ी तो तुमको खिलाएंगे आज तुम दूसरा कुछ बनाओ दूसरा कुछ चटपटा कुछ बनाओ मैं ये सब नहीं खाऊंगा दूसरा कुछ चटपटा कुछ बनाओ
अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये। नहीं, दालिया का खिचड़ी बनाएंगे फ्रेंड्स लोग को बोल दिए है मैं, दालिया का खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी ही बनाएंगे दालिया का। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को दालिया का खिचड़ी बना के खिला रही हूं। मैं नहीं खाने वाला दालिया का, तुम ये ब्लॉग बंद करो, मैं नहीं दूसरा कुछ स्नैक्स आइटम ढूंढो तब जाके मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे तुम्हें, क्या 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 हुआ लगा है क्या कहाँ पे देखा ना की हुई चे पता है ऐसे पता है की हुई चे ये तो ऐसे देखा जाती है की हुई चे अरे क्यों हुई चे काम नहीं चे नहीं की कौन की काम नहीं चे ये तो आमी जी कैसा कोर्ट কিছু কি হয়েছে কিছু কি কামনা তো নাকি আমরা দেখতে যাও সরো ব্যথা করছে কিন্তু বরফ নিয়ে আসছে আরে কি বরফ আনবে ব্যথা করছে কিন্তু নকশা করছে না আমাকে দেখতে দাও কি হয়েছে এখানে কি কামড়ালো কিভাবে কামড়ালো তো ছিল না শোয়ার আগে ভুলে যাচ্ছ ক্যা ভুলে যাচ্ছ কি ভুলে যাচ্ছ ভুল গেল क्या भूल गए अभी आज यही टॉपिक पे ब्लॉग है, राजी भूल गए तो इस टॉपिक पे ही आज ब्लॉग है, भूल गए ना? मेरा याद ना मतलब मेरा यादाश्त इतना कमजोर नहीं है कि मैं कुछ भूल जाऊंगा। अरे तखन मने ने दुपुरे शुए की कर ले उस दो इतना भी कुछ नहीं है, तुम ये पहले तुम बताओ कि कहां पे चोट खाई हो, क्या हुआ, अगर हुआ तो मैं बोलने लगा के देता हूं ना। चोट बोल बोलने में क्या दिक्कत, किसे चोट खाओ अभी आवर किसे चोट खाओ यार की बस ना कुछ ना की वही तो मैं पूछ रहा हूं ना मुझे जितना तक याद रहना है मैं याद रखता हूँ, और जितना तक मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहले तुम एक बार दिखाओ मुझे, पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मुझे कुछ नहीं दिखाना तुमको, तुम भूल गए हो तो मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा। दोपहर वाला शूले भूला गया छो खाना खाके फिर वो तो आप लोग समझ सकते हो। हाँ सोए ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इतना नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है ऐसा, मुझे सब याद है। तुम ये करो पहले, तुम मतलब छत पे गई थी ना, छत पे गई थी फिर कुछ पोका वोका ने कमरा होगा, बाइक क्या होगा पोका ने की सब बोले आज बोलो, तुम तो नीचे बोल ले भूले गए इतने भाव लगे ना हमारे घूमता हमारा सज्ज है ना घूम घूम सज्ज है ना তাহলে এই নয় যে কি আমি মানে কিছু ই মনে রাখবো না ঘুমিয়েছি কি সব কি দুনিয়া ভুলে বসে রইছি নাকি ভুলেই গেছো কি ভুলে গেছি আমি আরে দুপুর বেলাই তো হলো এটা দুপুর বেলায় যাই হোক তুমি এরকম তো কিছু হয়নি রে বাবা এরকম স্পট দেওয়ার মতন কিছু হয়নি মাথাটা গরম করো না তুমি কি ছাদে গিয়ে কোকে ওখানে রিলস করেছিলে আর ওই পোকা মোকা কামড়েছে তাই তো সেটাও বলো যেটা ওই কই রিলস वगैरह कुछ नहीं किए है फ्रेंड्स दोपहर को खाना खा के राजी सोए है फिर हमारे बीच में थोड़ा बहुत है देखो भूल गए है ये भूलने के कारण ही मुझे इनका सोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये स्पॉट राजी ने बनाया अभी बोल रहे कि ये नहीं बनाए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है बेकार फालतू बात मत करो हाँ मैं सोया हूँ इसका ये ठीक है कि सोया हूँ और वो भी ठीक है लेकिन ये मैं नहीं किया हूँ तुम बताओ बताओ प्रिया अभी मेरे बर्दाश्त के लेवल जो है एकदम हाई लेवल में चला गया है बर्दाश्त के लेवल तुम कर रहे हो मतलब मैं तब से तो पूछ रहा हूँ ना मैं हंस रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार तुम मुझे झूठा साबित कर रहे हो मैं बोल रही हूँ कि तुमने क्या किया है ये तुम्हारा नींद मुझे इसलिए बर्दाश्त नहीं होता है सब कुछ भूल जा रहे हो नींद के कारण मतलब मैं इतना नींद नहीं रहा मैं कुंभकर्ण में जैसा नींद नहीं रहा हूँ कुंभकर्ण की तरह ही सोते हो राजा जी दोपहर सोए हो खाना खा के और अभी कितना रात हो गया मतलब डिनर के टाइम हो गए
पूरा दिन खत्म कर देते हो तुम। मैं फिर से सो रहा हूँ, तुम अगर नहीं बताओगे ना। और उसके बाद ये हरकत क्यों अभी बोल रहे हो कि नहीं किए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सब बता रहा हूँ कुछ नहीं, इतना भी दिमाग मेरा खाली नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा। हाँ, मैं अभी फिर से अभी नींद लगा के पूरा रात की तरह सो जाऊंगा अगर तुम नहीं बताओगे तो। सो जाओ, खाना मत खाओ, कुछ मत करो। आप सोए रहेंगे, उठेंगे भी नहीं जब तक तुम नहीं बताओगे, नहीं उठेंगे। तुम ये पहले ये सब बात करो, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। ये चल रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? फ्रेंड्स लोग जान रहे हैं तुम्हारा हरकत। मैं डिलीट कर दूंगा, दिमाग गर्म हो रहा है। तुम अभी भी, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, अगर कुछ लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसका तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, तुम मुझे पहले चेक करने दो। वो भी नहीं करो तब मेरे ऊपर बोलो कि मैंने क्या है, मैंने क्या है। तुमको बोल रही हूँ ना, तुम क्यों समझते नहीं हो? मैं तुमको बोल रही हूँ ना प्रिया, मैं अभी तो यही पूछ रहा हूँ ना कि मैंने नहीं किया है। हाँ तो तुम शांत हो, थोड़ा सा शांत हो, मेरी बात सुनो। तुम शांत हो, मैं बोल रही हूँ कि दोपहर खाना खाने के बाद हम दोनों जब सोए, फिर हमारे बीच में ठीक है, उसके बाद ये दाग बना। मैं जब उस रूम में गई, वॉशरूम में फ्रेश हुआ, तब देखा ऐसा दाग बन गया। मैं कितना जलन हो रहा था, कितना दर्द हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ लगाया, देखा कि जल रहा था। तो मैंने अभी फिर मैं तुमको इसलिए नहीं बुला रही थी, कितना दर्द हो रहा था। फिर मैं तुमको नहीं बुला रही थी, अभी खाना खाने का टाइम हो गया इसलिए बुला रही थी, भूख लगा मुझे। तुम इतना सोते हो, सो के सब कुछ भूल जा रहे हो। सच बोल रही हूँ, इतना कौन सोता है बोलो तो? सच में ऐसा हुआ? हाँ, इतना सुंदर बीबी है तुम्हारा, फिर तुम कितना सोते हो? मैं तो याद ही नहीं आ रहा है कि ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो क्या बताऊँ, बोलो। तुम ऐसे एक बात बोलो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बोलो तो? मैं बहुत प्यार करता हूँ। फ्रेंड्स लोगों के सामने बोलो तो तुम मुझे कितना प्यार? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना बड़ा आसमान है उतना बड़ा, उतना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। तो मैं हर बात मानूंगी? तो हर बात तो मानते ही है, हर बात मानते है। और क्या नया बात हुआ जो अभी मानना पड़ेगा? नहीं, तुम इतना मासूम की तरह सोते हो तो तुम बोलते हो कि प्रिया तुम मुझे जगा देना, मुझे इतना बुरा लगता है। तुम इतना मासूम की तरह सोते हो और मैं तुमको ऐसे जगा देती हूँ, मुझे कितना बुरा लगता है, इसलिए मैं जगा नहीं पाती हूँ। तुम मेरा दिन बर्बाद होते जा रहे है, तुम मेरा दिन बर्बाद करते जा रहे हो। सो के मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना क्यों सोते हो? और देखो आज इतना सोए हो कि ये बात भी भूल गए तुम, एक दिन मुझे भी भुला दोगे क्या? अरे बाबा, तुमको ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है मैं नींद थोड़ा कम लूंगा। क्या? नींद कम लूंगा मैं, ठीक है। नींद कम लूंगा मतलब कम सोऊंगा? कम सोएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग सुन लो, राजी बोल रहे हैं कि कम सोएंगे। अच्छा, और छुट्टी के दिन मुझे थोड़ा बाहर घूमने लेके जाओ। अच्छा तुम घर पे रख देते हो मुझे, बाहर नहीं लेके जाते? घर पे रहो ना क्या, रोज ही तो बाहर निकलते हैं, और कहाँ बाहर जाएंगे? अरे वो तो अलग है, घूमने के लिए। अच्छा ठीक है, छुट्टी के दिन कहीं जाएंगे, इधर उधर कहीं जो होगा जाएंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ कैसे क्या होगा, मुझे चेक करने दो। और पहले तो बताओ, क्या बताए? कि तुम मुझे बाहर खाना खाने के लिए लेके जाओगे? ये घर का खाना खाके मैं बोर हो गए हो, कितने दिन में मुझे बाहर खाना खाने जाना है, तुम लेके नहीं जा रहे हो? अभी तो तुम्हारा थोड़ा ये चल रहा है, इसीलिए मैं अभी थोड़ा रुका हुआ है खाना। चल रहा है तो चल रहा है, मैंने तो बोल ही दिया था कि डाइट चलेगा चलेगा, लेकिन मुझे खाना खाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक है, मैं बाहर खाने तुमको लेकर जाऊंगा, बाहर घुमाने भी लेकर जाऊंगा छुट्टी के दिन, ठीक है। और मैं छुट्टी के दिन थोड़ा कम सोऊंगा, ठीक है। हाँ आप तो मुझे चेक करने दो। सुन लिया ना फ्रेंड्स आप लोग, ये मेरा हर बात मानेंगे बोल रहे है, अब से ये कम सोएंगे बोल रहे। सो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना, पर तुम थोड़ा कम सो, यही बोला। मेरे राजा जी जो है भोलेनाथ है, तो मुझे पता ही है, मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन भोलेनाथ जी बिल्कुल ज्यादा ही चाहिए। तुम पहले अभी मुझे देखने को दो कि क्या क्या कैसे मैं ठीक करूंगा ना। क्या ठीक करोगे तुम? तुम करके दिए हो, मुझे याद ही नहीं है, मेरा विश्वास करो, मुझे एकदम याद नहीं कि मैं, इसीलिए बोला सो कम। ठीक है, मैं तो बोल दिया ना कम सोऊंगा, घुमाने लेकर जाऊंगा, फिर खाना भी खिलाऊंगा, वो भी स्पाइसी वाला खाना खिलाएंगे, ठीक है। हाँ। जहाँ पे भर भर के तेल हो,
वो सब खाना है। अरे नहीं बाबा मैं कम ही खाऊंगी। ठीक है ठीक है, पहले अभी चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है चेक करो, दर्द है ना? दर्द है थोड़ा, आस्त करो। राजा जी दर्द हो रहा है, बहुत गहरा हो गया है, दर्द हो रहा है। प्लीज हाथ हटाओ थोड़ा। हाथ क्यों जा रहा है भाई? क्या तेरा हाथ लाल कैसे हो गया? अरे मैंने प्रैंक किया। अरे कि प्रैंक क्या मतलब? प्रैंक किया। ये क्या प्रैंक है? ये हाथ में लग कुछ नहीं हुआ है। कलर है ये, लिपस्टिक है वो तेरी। तुमको और कुछ नहीं मिला मतलब? पूरा पूरा छुट्टी का दिन तुमने इतना टेंशन दे दिया, और क्या प्रैंक है ये? प्रैंक है, फ्रेंड लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मैं सबको बोल के किए हैं। बोले कि स्नैक्स का ब्लॉग बनाएंगे, ये बनाओ। झूठ मूठ था वो सब, झूठ मूठ था फ्रेंड्स। देखो ये प्रैंक बन गए, ठीक है, राज जी को मैंने प्रैंक कर दिया और ये मान गए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इतना मतलब नहीं मतलब मैंने वो सब तुमने मेरे गालने मतलब मैं वो सब बोलूंगा इसलिए तुमने ये सब किया। मैंने ऐसे किया, प्रैंक किया तुम्हारे साथ। राजा जी का दिमाग शार्प है, मेरे राजी ऐसा नहीं है, भूल नहीं सकती। मैं तो वही तो मैं मेरा लास्ट में मैंने सोचा कि शायद हो भी सकते कि मैं इतना सोया कि मैं भूल गया। वैसे तो टेंशन भी हो रहा था कि पता नहीं कहाँ लग गया, क्या लग गया। हाँ क्या तुम तो ऐसे बुद्ध बनाया मुझे तुम? हाँ ऐसे बुद्ध बनाया तो दूसरा कुछ बना लेती ना, इतना भी सीरियस बात को लेकर बुद्ध बनाया, मेरा टेंशन हो रहा था ना मुझे। नहीं तो अगर ऐसा सच में होता तो सोते सोते तुम मेरा दिन पूरा खराब कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। ठीक है अभी आपसे नहीं होगा, अभी से कोई शिकायत नहीं दूंगा तुम्हें। ठीक है कोई शिकायत नहीं देंगे फ्रेंड्स, मैं सबके सामने ही बोल रहा हूँ। हाँ मैं बहुत ज्यादा ही सोता हूँ। हाँ देखो 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 कितना दर्द सोते हो, सोता हूँ लेकिन आज तो कुछ हद ही हो गया। मतलब सो के उठने के बाद ऐसा सरप्राइज मिलेगा, ऐसा मतलब हादसा होगा मेरे साथ, हाँ वो नहीं मालूम था। ठीक है अभी मैं कम सोऊंगा। ठीक है हाँ, और फिर हम लोग घूमने भी जाएंगे। हाँ यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम सो, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो फ्रेंड्स मैं तो बोल ही दिया, मेरे आज ही सोना बहुत पसंद करते, ये सो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम लोग कम पर जो ऐसे कम सो ना। अरे कलर तरह का उठ गया, वही तो देख रहा है, उठा दिया मैंने, पसीना हो गया मैं, इतना टेंशन हो गया। टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ा पानी वानी पिलाओ अभी मैं तो। ठीक है मैं ठंडा पानी लाती हूँ राजा जी के लिए। अरे बाप फ्रेंड्स, प्रिया मेरी मतलब सोने के कारण ऐसा प्रैंक करेगी मेरे ऊपर, मतलब मेरे दिमाग में मतलब दिमाग के बाहर ही है, ये दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसा वो कुछ कर सकती है। जो भी होगी थैंक्स गॉड की ये प्रैंक था, नहीं तो मेरा तो टेंशन के मारे एकदम पसीना पसीना हो गया मैं, और मुझे लगा कोई काटा वाटा ही नहीं काटा होगा क्योंकि स्पॉट तो मतलब किसी काटने के जैसा ही था, लेकिन बार बार बोले कि मैंने किया फिर खुद के ऊपर डाउट हो गया कि यार ये इतना गैस हो गया कि पूरा एकदम दुनिया भूल गए हम, हाँ इतना पूरा कैसे हो गया। जो भी हो बहुत अच्छा तरीका को मतलब ढूंढी है मुझे सबक सिखाने के लिए। ठीक है अभी तो लो 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 तुम अभी पानी पियो बाबा, मेरा हाई प्रेशर ऊपर बढ़ गया, मेरा प्रेशर बढ़ा दी एकदम, तुमने पानी पिए तो तब जाके थम जाऊंगा। तुम भी थोड़ा पी लो, मुझे तो हंसी आ रही है। मैं कब से प्लान किया बोलो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। अभी तो हंसी मुझे भी आ रही है और थोड़ा रिलैक्स भी हो रहा है माइंड कि ये प्रैंक। ठीक है अभी पानी पी लो फिर हम बात करें। तो गाइज मैं तो ये प्रैंक करके बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई हूँ, मुझे अभी बहुत हैप्पी फील हो रहा है कि राजी के साथ मैंने ऐसा प्रैंक किया है। बहुत मजा आ रहा है तुमको? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, निकल रहा था तब कि मुझे लगा कि यार सच में क्या मैं भूल गया, इतना मतलब इतना सोया कि भूल गया, लास्ट में तो बिलीव होगा कि हाँ शायद मैं भूल ही गया होगा। तो अभी तो राय जी मेरे सारी बात माने, अभी देखना है कितना मानते हैं ये। हाँ पहले तो तुमको बाइक जो है ओरिजिनल बता दूंगा अभी। क्या तुम अपना मुंह बंद करो, सॉरी।
नहीं फ्रेंड्स, ऐसे झूठ मूठ बोलते हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे झूठ मूठ का बोल रहे हैं। हाँ तो अभी देखना है राधे कितना मेरे बात मानते हैं। आप लोग तो पूरा सब लोग देखे हो ये वाला प्रैंक, ठीक है। और फिर और क्या, और क्या, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कभी सोता हुआ नजर नहीं आऊंगा आप लोगों को। अरे नहीं बाबा, तुम सो हो पर थोड़ा कम सो, मैंने क्या बोला मत सो, मुझे तो अच्छा लगता है तुम सोते हुए, ठीक है। ठीक है फिर फ्रेंड्स, ब्लॉग तो यहीं पे खत्म कर देते हैं हम लोग। और क्या, और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप सब लोग अच्छे से रहो।